दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर किसी ने अपने लीडर ने किसी ने अपने जिस्म का खून का एक खतरा है वो इंदिरा जी ने दिया है, अपना जिस्म का एक खुद का खतरा जिस्म दे दिया है, और राजू गांधी ने अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा इस भारत देश को दिया है आज़ादी के लिए। आज इतने 36 पार्टियां निकले हैं, उन पार्टी को उनको पूछो कि उनके बाप दादा ने आज़ादी लाया क्या, उन्होंने एक उंगली काट करके खून की बताया क्या, आज हाथा हिला रहे हैं, आज ये रह रहे कमलम गुर तो बोल रहे हैं, अरे कहाँ कहाँ भाई, तुमने तो सत्यानाश कर दिया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, सन्यासी हो गए। सन्यासी लोग जिसने अपनी माँ को माँ नहीं बोला, बाप को बाप नहीं बोला, अपनी बीवी को बीवी नहीं बोला, आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है, अफसोस का मुकाम है। कांग्रेस पार्टी को हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं आज़ादी लाई, पर वो कांग्रेस जिसमें इंदिरा गांधी थी आज नहीं रही, वो कांग्रेस जिसमें राजीव गांधी थी नहीं रही, आज की कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस बनी हुई है, कुछ ऐसे जो है बने हुए खिलौने बना के उनको रखे हैं बस। हमको तो हमारा तो कई साल 70 साल हमारा खून छूसा उन्होंने, बस दुआ करते हैं कि उम्र दराज करे केसीआर जी को, केसीआर जी के चाहने वालों को, उनके बाल बच्चों को, उसने हमारे 4 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाया। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।
हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और फिर तेलंगाना जो आज़ाद हुआ 1949 में हुआ, पर हम बोले बहुत खुश हो गए कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लिया। फिर 1956 में फिर हमको फिर आंध्रा वालों की गुलामी में दे दिया और फिर आंध्रा वालों के गुलामी आ गया हमको आज़ादी। अगर लाया महात्मा गांधी हड्डी था चमड़ा था गोश का पता नहीं था, डॉक्टर एम चंदा रेड्डी मल्लिकार्जुन के जब तेलंगाना प्रजा समिति 69 में मैंने तेलंगाना की आज़ादी के लिए लड़ा, 11 MP बना के दिल्ली भिजाया, उन्होंने हमारा तेलंगाना के लोगों का खून चूस करके कांग्रेस को कांग्रेस में चले गया, तेलंगाना को धोखा दिया। उसके बाद से 2001 में तेलंगाना की आवाज़ एक मेदक ज़िले का एक रहने वाला देखा मैं उसको, जिसका नाम के चंद्रशेखर राव है, मैं उसको खड़े रह के देखा के चंद्रशेखर राव हड्डी है चमड़ा गोश का पता नहीं है, मल्लिकार्जुन के जैसा 2 क्विंटल नहीं है, लिहाजा ये मेरे को तेलंगाना का लाएगा, ये तेलंगाना का गांधी है। और इसलिए 2014 में तेलंगाना को आज़ादी करा, आज हम आज़ाद है और तेलंगाना के खिलाफ जो भी बोलेगा, तेलंगाना के आदमी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। हम तेलंगाना के थे, तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के रहेंगे। पदवी आज रहती है कल चले जाती है, आज मिनिस्टर रहती है कल चले जाती है, आज MLA रहता कल चले जाता है, आज MSA रहता कल जाता है। मैं तेलंगाना का वर्कर हूँ, तेलंगाना का सिपाही हूँ, तेलंगाना का फ्रीडम फाइटर हूँ, था हूँ और मरने तक रहूँगा। रमजान इवाला पवित्रमैन रोजु, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंदरू भाई भाई अने विधानंतो इवाला नारायणखेड़ సాధులు తీస్తే ఇంట్లో మాకు శీర్కుర్మ తాగేయడము, ఒకరికి ఒకరి మైత్రి బంధం ఏ విధంగా ఉంటుందో, హిందూ ముస్లిం ఇద్దరం కలిసిమెలిసిగా ఉండేటట్టుగా అందరం మా తాత ముత్తాతలకెంచి ఈ సాంప్రదాయ సంస్కృతి వస్తుంది. ముస్లిం సోదరులకు నారాయణ ప్రజలకు అందరికీ రంజాన్ ముబారక్ చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరము రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటారో ఆ విధంగా అన్ని మతాల వారు మనమందరం కలిసి కట్టుగా ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండేటట్లు ఇవాళ రంజాన్ మాసంలో రంజాన్ పండుగ చెప్తూ ఉంది. ఆ సందర్భంగా మేమందరము కార్యకర్తల తరఫున మా నాయకుల తరఫున నారాయణ ప్రజలకు ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ ముబారక్.